तो चलो गाइस, आपको तो याद ही होगा कि लास्ट टाइम यार हमारे वेनम ने यार लावा गॉड को हराने की कोशिश करी थी, पर यार हमारा वेनम ही हार गया था और लावा गॉड तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। वो तो अभी भी हमारे शहर में घूमे जा रहा है। अरे चिंता मत करो, अगली बार जरूर हरा दूंगा। अरे भाई रुक जा यार वेनम, मैंने एक बार बाहर चेक करके आता हूं। भाई वो लावा गॉड का बच्चा कहां पे गया? अरे फेंकी मत जाओ यार बाहर। अरे भसोबर कलवे, अगर उसने देख लिया तो? अरे भाई नहीं देखेगा भाई, मैं छुप छुप के जा रहा हूं। ओ माय गॉड भाई, वो तो अभी भी यहां पे खड़ा है। अरे क्या बात कर रहे फेंकी भैया। ओ माय गॉड, वो तो गुस्से से लाल हो गया। अरे भाई साहब सिंचन, अब हम क्या करें? मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे भसोबर कलवे, डर तो मेरे को भी लग रहा है। चलो गाइस एक बार ना आराम आराम से बाहर चल के देखते भाई, वो कहीं मेरे को देख ना ले। अरे फेंकी भैया, अभी तक तो नहीं देखा लग रहा है। ओ भाई यार, मैं ऐसे ही भाई चुप चुप के यार बच बच के उसके सामने से चला जाऊंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। और गाइस मैं ना एक गाड़ी ढूंढ के ले आऊंगा। अरे भसोबर क्या ही बात कर रहा है। अरे हाँ भाई, यही मेरा प्लान है। चलो गाइस आगे चलते। ओ भाई यार, उसने तो मेरे को देखा नहीं अभी तक। अरे भाई यार कमाल हो गया। अगर गाइस आप लोग भी चाहते हो कि आज हम लावा गॉड से बच जाए और उसको हरा दे, तो गाइस जल्दी से जाओ और वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो। और गाइस भूलना मत वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजे आएंगे। अरे भाई ये कहोगे एकदम से भाई, उसने देख लिया भाई, ये क्या कर रहा है? वो तो भाई आसमान से बड़े वाले पत्थर गिरा रहा है। अरे नहीं यार फेंकी भाई, ये तो यार वही पत्थर है ना आग वाले। अरे भाई भागो भागो यार, ये क्या हो गया भाई, उसने तो मेरे को देख लिया था। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, भाई यहाँ पे छुप जाता हूँ। अरे छुपने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम लोग इतनी जल्दी डर गए? अरे भाई वेनम यार, तू तो चुप रहा भाई, तू भी लास्ट टाइम डर गया था। अरे हाँ ये भी डर गया था। अरे इस बार नहीं डरूंगा, अब देखना वो वाली गाड़ी मैं ही ढूंढ के लाऊंगा। अरे वेनम यार तू ही कुछ कर भाई यार, जल्दी बचा हमें। अरे हाँ अभी मैं जाता हूँ और कोई ना कोई गाड़ी ढूंढ के लेता हूँ। अरे भाई वेनम यार ध्यान से जाइयो, कहीं पता चले यार लावा गॉड तेरे को देख ले और फिर भाई हम सब यार मुसीबत में फंस जाए। अरे ऐसा नहीं होगा। अरे कहाँ से जाऊँ कहाँ से जाऊँ, अरे बाप रे ये तो चारों तरफ यार मीटियोर की बारिश कर रहा है। अरे भाई देख रहा भाई, वो गाड़ी भी फट गई। अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं इधर से चुपके चुपके चला जाऊंगा। अरे हाँ भाई ऐसे ही जा भाई, वो कहीं देख ना ले तेरे को भाई, आराम आराम से जाइयो। अरे हाँ यार आराम से जाना और जल्दी से कुछ लेके आना। अरे हाँ भाई कुछ मिला? अरे हाँ यार एक गाड़ी तो पड़ी है, लेकिन यार ये पुलिस की गाड़ी है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, फटाफट से वो गाड़ी लेके आ जा भाई, जल्दी लेके आ जा। अरे हाँ यार अभी लेके आता हूँ। अरे भाई यार मजा ही आ गया, अब तो हम लोग यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। अरे हाँ भाई मजा ही आ जाएगा, फिर लावा गॉड भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे हो बिल्कुल सही बोला। अरे फेंकी भैया जल्दी बुलाओ यार वेनम को। अरे भाई वेनम कहाँ रह गए, जल्दी आ जा। अरे यार आ तो गया, ये लो यार तुम्हारे लिए गाड़ी लेके आया हूँ। ओ भाई यार वेनम यार तूने तो सही में कमाल ही कर दिया, देख रहा हूँ फाइनली यार हमारा वेनम एक गाड़ी लेके आई गया। चलो गाइस फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं सारे लोग और भाई यहाँ से निकल जाते हैं। अरे हाँ यार यही सही आइडिया है। अरे बैठो बैठो जल्दी बैठो। अरे मैं तो ऊपर बैठूंगा। अरे हाँ मैं भी ऊपर बैठूंगा। चलो गाइस गाड़ी के अंदर ज्यादा जगह नहीं थी इसलिए गाइस सारे लोग यार बाहर ही बैठ गए, ऊपर ही बैठ गए, फटाफट से गाड़ी को लेके चलते। अरे भाई साहब सिंचन ये क्या किया उसने? अरे फेंकी भैया क्या कर दिया? अरे भाई मौसम साफ कर दिया। अरे हाँ यार इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। चलो गाइस गाड़ी को चलाते तेजी में। अरे भाई मजा आ गया। अरे भाई ये क्या हो गया? अरे कौन है? अरे भाई उसने सुन लिया, भागो भाई यार यहाँ पे मैं टकरा गया थे गाड़ी से, फटाफट से भागना पड़ेगा। अरे तुम लोग बच नहीं पाओगे। अरे भाई लगता है उसने देख लिया। अरे वेनम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे भागो भाई, वो तो हमारे जस्ट पीछे ही है। चलो गाइस फुल तेजी में गाड़ी को चलाते हैं और भाई सेफ जगह पे पहुंचते हैं। अरे वो तो मेरी बेइज्जती कर रहा था। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी ढंग से। अरे हाँ यार जल्दी निकलो। ओ भाई फाइनली गाइस हम बचते बचाते भाई पहाड़ के ऊपर पहुंच ही गए। भाई यहाँ पे लावा गॉड तो हमें नहीं देख पाएगा ना। अरे भसोबर पता नहीं कल हुआ। अरे फेंकी भाई एक काम करो यार, जल्दी से यार अपनी गाड़ी को साइड में लगा और छुप जाओ। अरे भाई मैं तो छुप गया। अरे भाई तुम भी आके छुप जाओ भाई, वो देख लेगा वो रहा। अरे फेंकी भाई यार कहीं उसने हमें देख ना लिया हो। अरे भाई नहीं देख पाएगा भाई, उसकी आंखें बड़ी थोड़ी ना इतनी। अरे हाँ यार सही बात है। अरे फेंकी भाई यार रुक जाओ, हम लोग भी उतरते हैं। भाई उसने दोबारा से मौसम सही कर दिया। अरे फेंकी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा वेनम उस वक्त से क्या कर रहा है? अरे भाई यार वेनम तू क्या कर जा रहा है उस समय से? अरे मैं तपस्या कर रहा हूँ ताकि मेरी तपस्या से कोई ना कोई हमारी मदद कर सके। अरे भाई क्या बोल रहे, ये सब चीजें सच होती है? अरे भाई हमारा वेनम कहाँ चला गया? अरे पता नहीं यार फ्रैंकी भैया। अरे ऊपर देखो। अरे भाई ऊपर ये क्या कर रहे, तो बड़े वाले बॉल के ऊपर तपस्या कर रहा है। अरे हाँ मेरी तपस्या चलती रहेगी। अरे भाई यार तू ही कुछ कर सकता है, वेनम हमारी जान बचा ले। अरे फ्रैंकी भैया छोड़ो यार, वेनम पे भरोसा करना नहीं चाहिए। अरे हाँ भाई यार ये पिछली बार भी हार गया था लावा गॉड से। अरे हाँ यार सही बोला कलवे, ये किसी काम का नहीं है। चलो गाइस वेनम को इग्नोर करते हैं। अरे भाई साहब सिंचन तू ही कुछ बता। अरे फ्रैंकी भैया मैं क्या बताऊं? अरे यार फ्रैंकी भैया आप बोलो तो यार, मैं एक ऐसी खतरनाक सी ड्राइंग बनाऊं जो कि यार हमारे लावा गॉड को हरा सके। अरे भाई एक बड़ा सा जेंट बना दे। अरे हाँ यार सही बोला यार, कुछ ऐसा बना यार, ऐसा तगड़ा चीज बना जो यार हरा सके इसे। अरे भाई यार एक काम करते हैं, आयरन मैन एक काम करे यार मेरा। अरे हाँ यार बोलो बोलो यार, जल्दी बोल यार फ्रैंकलिन। अरे भाई यार तू ना हमें यार पीछे से मदद करे, तू ना उड़ के कहीं दूर चले जा। अरे ठीक है यार, मैं एक काम करता हूँ यार, बैकअप वगैरह बना के रखूंगा, तैयार रखूंगा। अरे हम तब तक यार प्लानिंग करते बड़ी वाली। अरे नहीं यार फ्रैंकी भैया ये देखो यार, लावा गॉड ने तो यार दोबारा से मौसम चेंज कर दिया। अरे भाई यार जैसे ही हमारा आयरन मैन गया यहाँ पे यार, उसने यार मौसम चेंज कर दिया। अरे कोई बात नहीं सिंचन, तू ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर। अरे हाँ भाई इस बार तू क्या बनाएगा? अरे फ्रैंकी भैया ये देखो यार, एक ऐसी चीज मैं बनाने वाला हूँ जो कि यार साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होगा, एक टाइटन ही बनाऊंगा। ओ माय गॉड यार सिंचन क्या बोल रहा, तू सही में बड़ा वाला टाइटन बनाएगा? अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया एक ऐसा टाइटन बनाऊंगा जो कि यार बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा और लावा गॉड को यूं खत्म कर देगा। अरे हाँ भाई यार सिंचन जल्दी से बना दे, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। अरे हाँ मुझे तो लगा ही था कि हमारा सिंचन हमारी मदद कर सकता है। ओ भाई आज तो यार मजा आ जाएगा, जल्दी जल्दी ड्राइंग करे सिंचन, आज तो हमें लावा गॉड को हराना ही है। अरे
हो यार, जल्दी जल्दी कर। ओ माय गॉड, तूने तो यार आउटलाइनिंग भी स्टार्ट कर दी। अरे फ्रैंकी भाई ये देखो यार, फाइनली मैंने इसके लिप्स भी बना दिया। ओ माय गॉड यार, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अरे भाई यार, सिंचन ये सही में बहुत ही बड़ा होगा। अरे हो यार, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अरे बिल्कुल सही बोला, हमारे हल्क नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। साइज में यार बहुत ज्यादा ही अलग लेवल का होगा। अरे भाई इसका नाम क्या होगा? अरे फ्रैंकी भाई, इसका नाम होने वाला है आइस गॉड। अरे भाई क्या बोल रहा है, आइस गॉड? ओ भाई ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। अरे फ्रैंकी भाई, नाम ही अच्छा नहीं है, इसके काम भी बहुत अच्छे है। अभी जब बन जाएगा ब्लू कलर, जब आप इसका देखोगे तो आप भी देख के खुश हो जाओगे। भाई क्या बोल रहा भाई, ब्लू कलर? ओ भाई मैं समझ गया भाई, ये बर्फ का देवता है ना, इसलिए भाई इसका नाम आइस गॉड है ना। अरे हाँ यार बिल्कुल सही बोला फ्रैंकी भाई। अभी देखो यार, मैंने ब्लैक ब्लैक कलर कर दिया है, फटाफट से यार इसमें शेडिंग वगैरह करूंगा और उसके बाद मैं इसमें बर्फ बना दूंगा। अरे भाई बर्फ बनाना, जल्दी जल्दी भाई ब्लू कलर कर दे। अरे हाँ यार, जल्दी जल्दी कलर कर दे यार, पूरा ही ब्लू कर दे। अरे नहीं यार, पूरा ब्लू थोड़ी ना होगा, थोड़े बहुत बर्फ बनाऊंगा ना। अरे भाई जल्दी जल्दी बना दे भाई, हमारा लावा गॉड हमारे को देख रहा है भाई, जल्दी कर। अरे ठीक है यार फ्रैंकी भाई, यार हाथ जल्दी जल्दी चला लेता हूं। अरे जल्दी जल्दी चला यार चीजें। ओ भाई यार फाइनली गाइज़, देखो भाई इसने शेडिंग कर दी। ओ माय गॉड यार, फटाफट से अब ब्लू कलर कर दे। अरे रुको यार फ्रैंकी भाई, ये देखो यार फाइनली मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, फटाफट से यार इसमें वो स्ट्राइप्स बना देता हूं खतरनाक वाले। अरे हां भाई मजे आ जाएगा भाई, बर्फ बना दे बर्फ। अरे हां यार जल्दी बना शिनचैन जल्दी, तू आर्टिस्ट है कमाल का, काम करे धमाल का। अरे वाह यार मजा ही आ गया यार, हमारा हल्क जो है वो मेरे को और ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। अरे हां भाई मजे आ गया भाई, यार तूने बर्फ भी बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई बर्फ तो यार बहुत तगड़ी लग रही है। अरे हां यार फ्रैंकी भाई, ये देख रहे यार कितना बढ़िया लग रहा ना। अरे हां भाई जल्दी जल्दी बना दे भाई, इसके बाद फिर यार बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी। अरे फ्रैंकी भाई, ऐसी ऐसी शक्तियां होंगी ना जो कि हमारा लावा गॉड देख के एकदम चकरा जाएगा। अरे भाई डर जाएगा वो तो। अरे डर के भाग जाएगा। अरे भाषा बार कर भी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे भाई ऐसा ही होगा भाई, तू ऐसे मत बोल। अरे यार नेगेटिव क्यों सोचे, हम तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ओ माय गॉड, देख रो गाइस हमारा यार आइस गॉड कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे गाइस एक काम करो यार, आप क्यों खाली बैठे हो, फटाफट से यार वीडियो को लाइक भी तो करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यार कमेंट सेक्शन में एक और काम करो, लिख दो यार आइस गॉड ओपी। अरे हां गाइस फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो, और गाइस भूलना मत वीडियो को पूरा देखना, आज तो बहुत मजे आएंगे। अरे बहुत ज्यादा मजे आ ही रहे हैं, ये देखो यार मैंने बना दिया यार, ऑलमोस्ट यार कंप्लीट ही होने वाला है। अरे भाई कितना अच्छा लग रहा है भाई, चमक रहा है भाई बर्फ तो। अरे हो यार सही बात है, इसकी जो नीले वाले बर्फ है ना बहुत बढ़िया तरीके से चमक रहे हैं भाई, इसके पास तो अलग ही बर्फ है। चलो गाइस मजे ही आ गए भाई, सिंचन यार तूने सही में कमाल कर दिया भाई, ये वाला आइस गॉड यार दुनिया का सबसे पावरफुल होगा। अरे हाँ यार बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, हमारे लावा गॉड को तो यार यूं खत्म कर देगा। अरे भाई जल्दी जल्दी बना दे भाई, बन गया क्या? अरे हाँ यार बनने ही वाला है फ्रैंकी भाई, ये देखो गाइस यार ऑलमोस्ट रेडी है, चलो देखते हैं फटाफट से 3 2 1। अरे भाई यार कहां है मेरा आइस गॉड? अरे भाई ये क्या होगा, मौसम भी चेंज होगा और तेरा आइस गॉड कहां चला गया? भाषा बार लगता है यार इसका आइस गॉड आया नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। अरे भाई क्या बना दे तूने, वो तो हमारे दुनिया में आया ही नहीं। अरे ये तो यार तूने बेइज्जती करा दी शिनचैन। अरे देखा तू तो यार सही में किसी काम का नहीं है शिनचैन। अरे भाई क्या करते हैं यार शिनचैन, अब हम क्या करें, अब तो हम यहीं पे फंस जाएंगे। अरे पीछे देखो यार। अरे भाई पीछे ये कौन है? ओ माय गॉड हमारा आइस गॉड आ गया। अरे फ्रैंकी भाई एक बार देखो तो। अरे वाह यार तूने तो कमाल कर दिया शिनचैन। अरे भाई मजा ही आ गया, तूने तो सही में भाई यहाँ पे आइस गॉड बना दिया भाई, ये हमें बचा लेगा अब। अरे मुझे ये बताओ तुम में से किसने मुझे बनाया है? अरे आइस गॉड तुम्हें शिनचैन ने बनाया और हमें तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से हमारी मदद कर दो। अरे क्या बोला, आज तुम सभी लोग मेरे दोस्त हो क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इस दुनिया में बुलाया वापस से। ओ भाई मजे ही आ गए भाई सिंचन, सुना तूने भाई आइस गॉड तो हमारा दोस्त बन गया। अरे भाई यार मजा ही आ गया। अरे मुझे लगता है आसपास कोई है। अरे हाँ यहाँ पे लावा गॉड आ गया हमारी दुनिया में यार, आइस गॉड जल्दी से हमें बचा लो। अरे क्या बोला, अरे नहीं ये क्या कर रहा है? अरे भाई ये क्या हो गया भाई हमारे आइस गॉड को? अरे फ्रैंकी भाई लग रहा है यार लावा गॉड कुछ कर रहा है। अरे ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है ये लावा गॉड। अरे भाई लावा गॉड भाई आइस गॉड की शक्तियाँ ले रहा है। अरे नहीं यार फ्रैंकी भाई ये क्या कर रहा है? अरे भाषा बार लगता है यार उसको पता चल गया। अरे भाई आइस गॉड तू ठीक है ना? अरे अरे नहीं नहीं मैं ठीक नहीं। अरे बाप रे मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गई? अरे भाई यार ये क्या हुआ, लावा गॉड ने भाई हमारे आइस गॉड की सारी शक्तियाँ छीन ली। अरे नहीं यार फ्रैंकी भाई हमारा आइस गॉड आया तो यार ये सारी चीजें उसे पता चल गई। अरे भाई लावा गॉड यार बहुत ही खतरनाक है, उसको भाई सब चीज पता चल जाती है। अरे इस लावा गॉड पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसने मेरी शक्तियों को कम कैसे किया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ओ माय गॉड गाइज़र ये देखो भाई ये क्या किया है भाई लावा गॉड ने, भाई मौसम चेंज कर दिया दोबारा। अरे क्या बोला, ये लावा गॉड का बच्चा मौसम भी चेंज करना चाहता है? अरे हाँ वो सारी चीजें करता है यहाँ पे। अरे हाँ यार वो यार मौसम के साथ खेलता भी है और साथ में यार पत्थरों की बारिश भी करता है, वो भी यार मीटियर शावर की। अरे हाँ आइस गॉड यार तू ही हमें बचा सकता है, जल्दी से हमें बचा लो। अरे बचा तो लूंगा लेकिन उसके लिए मेरी शक्तियों को वापस लाना होगा और उसके लिए तुम सभी लोगों को मिलके वो पत्थर ढूंढना होगा। अरे भाई यार आइस गॉड कौन सा पत्थर? अरे फ्रैंकी भाई पत्थर? अरे हाँ एक पत्थर है जिसे मैं बोलता हूँ रेड स्टोन। अरे भाई रेड स्टोन को ढूंढना पड़ेगा भाई, आइस गॉड वो कहाँ मिलेगा? अरे फ्रैंकी भाई यार मेरे को नहीं पता। अरे मुझे नहीं लगता कि ये आइस गॉड हमारी कोई भी मदद कर पाएगा, इसके पास तो शक्तियाँ ही नहीं है। अरे आइस गॉड यार तू हमारी मदद करेगा ना? अरे मदद करूंगा, ये कौन है? वेनम, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझता हूँ, मेरे पास अभी भी थोड़ी बहुत शक्तियाँ हैं, ये देखो मैं भी मौसम चेंज कर सकता हूँ। अरे भाई कौन सा मौसम? अरे ये देखो आइस गॉड हूँ तो मैं भी आइस आइस चारों तरफ फैला सकता हूँ। अरे भाई यहाँ पे तो भाई स्नोफॉल हो गई, अरे भाई बर्फ कहाँ से आ गई? अरे लगता है
इस आइस गॉड के पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ बची है। अरे भाई मजा ही आ गया, इसने भी मौसम चेंज कर दिया और देखो गाइजर यहाँ पे बहुत सारी बर्फ गिरा दी। अरे फ्रैंकलिन भाई आप क्या करोगे? अरे जल्दी जल्दी तुम लोग अगर जा सकते हो तो जाओ और जाओ फटाफट से उस रेडस्टोन को लेके आओ मेरे पास। अरे भाई आ जाओ सारे आ जाओ भाई फटाफट से चलते आइस गॉड का रेडस्टोन लेने। अरे फ्रैंकलिन भाई लेकिन वो है कहाँ पूछ तो लो। अरे हाँ भाई आइस गॉड यार जल्दी से बता दे वो है कहाँ पे। अरे वो है समुद्र के अंदर ब्रिज के पास। चलो गाइजर फटाफट से सारे लोग यार गाड़ी के ऊपर बैठ के फटाफट से चलते भाई समुद्र के अंदर। अरे हाँ जल्दी भगा लो गाड़ी को और याद रहे आइलैंड के पास है वो। अरे भाई यार फाइनली हम यार उस ब्रिज पे तो पहुंच गए भाई, यहाँ पे आइलैंड भी दिख रहा है। अरे फ्रैंकलिन भाई लेकिन यार यहाँ पे तो बहुत सारे आइलैंड है। अरे भाई किस वाले आइलैंड के ऊपर होगा वो? भाषा पर कल मेरे को तो नहीं पता। अरे मुझे पता है। अरे भाई मैडम तेरे को सही में पता है? अरे फ्रैंकलिन भाई ये झूठ बोल रहा होगा। अरे हाँ मुझे भी लगता है ये झूठ ही बोल रहा है। अरे भाई जल्दी बता दे आइस गॉड का रेड स्टोन लाना ही पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भाई पता नहीं यार। अरे भाषा पर कल वो देखे यार वो आइलैंड यार काफी यूनिक लग रहा है भाई। कौन सा? अरे हाँ भाई वो सही में यार आइलैंड बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है, वहीं पे चले क्या? अरे फ्रैंकलिन भाई जल्दी जल्दी चलो। अरे भाषा पर कल यार अपनी गाड़ी को जल्दी भगा और ले चल उस साइड में। चलो गाइस फटाफट से उस वाले आइलैंड के ऊपर चलते और भाई रेड स्टोन को ढूंढ के लाते हैं। अरे हाँ जल्दी चलो जल्दी। अरे भाषा पर कल यार फुल स्पीड में चल। अरे हाँ भाई फुल स्पीड में कर रहा हूँ। ओ भाई यार ये गाड़ी चल भी नहीं रही। अरे फ्रैंकलिन भाई पता नहीं यार। अरे भाषा पर कल मुझे लगता नहीं कि उस साइड जाने के लिए कोई भी जगह होगी। अरे भाई होगी होगी भाई यहाँ से निकाल लू। अरे निकाल लो यार फ्रैंकलिन भाई। अरे भाषा पर कल ध्यान से निकाल जल्दी। अरे भाई कहीं गाड़ी ना टूट जाए। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भाई। अरे भाषा पर कल यार यहीं पे पार्क कर रहा है क्या? हाँ भाई फटाफट से यहाँ पे पार्क कर लेते और भाई मेरे को लग रहा है भाई समुद्र के अंदर मेरे को कूद के जाना पड़ेगा। अरे ठीक है यार फ्रैंकलिन भाई आप अकेले जाओ, हम लोग यहीं पे वेट करते हैं। अरे अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मेरे को बचाने आ जाना। अरे भाषा पर आ जाएंगे। अरे मैं तो नहीं आऊंगा। अरे मैंने यार तू तो चुप ही रह, तू हमारी मदद कभी नहीं करता। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भाई बस ये बातें बोलता है बड़ी बड़ी। चलो गाइज़ फाइनली यार मैंने समुद्र के पास आ गए। ओ भाई साहब मेरे को डुबकी लगानी पड़ेगी। अरे क्या ही बात कर रहे हो फ्रैंकलिन भाई, ज्यादा डुबकी अंदर तक मत लगाना। अरे ठीक है सिंचन यार मैं अपना ध्यान रखूंगा, फटाफट से यार चलते समुद्र के अंदर। अरे भाई साहब सिंचन ये वाला समुद्र तो बहुत ही बड़ा है। अरे हाँ यार सही बोला। अरे भाई ये क्या हो गया भाई साहब सिंचन, उसने तो मौसम चेंज कर दिया। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भाई लगता है यार उसे अंदाजा हो गया कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। अरे भाई साहब सिंचन कोई दिक्कत नहीं, हम उस लावा गॉड से नहीं डरते, फटाफट से मैं तो जा रहा हूँ समुद्र के अंदर। अरे हाँ जाओ जाओ। अरे भाई साहब कल यार ध्यान से बिल्कुल ध्यान से। अरे भाई साहब सिंचन यहाँ पे तो लहरें भी तेज हो गई। ओ माय गॉड फटाफट से मैं यार अंदर पहुंच गया समुद्र के। ओ भाई साहब सिंचन ये तो बहुत ही बड़ा ओशन है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब कल यार समुद्र के अंदर कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। अरे भाई मॉन्स्टर थोड़ी ना होते। चलो गाइस उस पत्थर को ढूंढते। अरे भाई यहाँ पे तो पत्थर मिल ही नहीं रहा। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब कल यार आसपास ही देख यार, उस आइलैंड के पास जाके देख। अरे भाई मैं आइलैंड के पास पहुंच गया पर यार वो वाला पत्थर तो अभी तक दिख नहीं रहा भाई, उसका नाम क्या था? अरे पता नहीं यार। अरे भाई साहब रेड स्टोन बोला था शायद। अरे हाँ भाई रेड स्टोन। चलो गाइस मैं आइलैंड के ऊपर तो पहुंच गया। अरे भाई साहब दोबारा से यार गोता लगाना पड़ेगा। अरे ठीक है यार फ्रैंकलिन भाई जल्दी जल्दी गोता लगाओ यानी कि डाइव करो और फटाफट से जाओ ढूंढो उस रेड स्टोन को। अरे भाई साहब सिंचन ये क्या हो रहा है भाई यार, अभी तक तो मिल ही नहीं रहा भाई, मेरे को नहीं लग रहा भाई इतने बड़े वाले समुद्र में भाई वो रेड स्टोन मिलेगा। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, मुझे भी नहीं लगता कि हमारे फ्रैंकलिन उसे कभी भी ढूंढ पाएगा। अरे भाई मैं तो अंदर ही खो जाऊंगा। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भाई चिंता मत करो मिलेगा। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, कुछ चमक रहा है वहाँ पे। अरे क्या बात कर रहे हो यार फ्रैंकलिन भैया। अरे भाई साहब सिंचन भाई मेरे को लग रहा भाई मेरे को रेड स्टोन मिल गया। अरे भाई साहब क्या बोल रहा सही में? अरे हाँ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा लाल है। अरे क्या बात कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया। अरे भाई साहब कल यार अब उसे जल्दी से लेके आ जा। अरे भाई मैं ला नहीं पाऊंगा भाई, ये तो बहुत ही बड़ा है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब कल आप क्या करे? अरे भाई यार चलो गाइस मेरे को इसकी लोकेशन तो मिल गई, फटाफट से मैं ऊपर चलता और भाई यार आयरन मैन को बुलाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया यार आयरन मैन को कैसे बुलाओगे? अरे भाई यार रुक जा यार मेरे को दिमाग लगाने दे, रुको फटाफट से अब ऊपर चलते, पानी से तो बाहर निकल जाऊं। अरे भाई साहब जल्दी निकल जा। ओ माय गॉड यार हमारे फ्रैंकलिन भैया को रेडस्टोन मिल गया, मजा ही आ गया। ओ भाई फाइनली गाइस मैंने यार बड़े वाले ओशन से बाहर आ गया, फटाफट से ऊपर चलते। ओ माय गॉड यार मैं फाइनली यार ऊपर पहुंच गया। अरे भाई साहब सिंचन उस आयरन मैन को मैं कैसे बुलाऊं? अरे पता नहीं। अरे भाई यार सिंचन यार रुक जा। ओ भाई यार सिंचन मेरे को पता चल गया भाई, मैं उसको सिग्नल देता हूं। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब कल भी हमें भी दिख रहा है ये सिग्नल। अरे भाई फटाफट से मैंने यहां पे सिग्नल वाला मशीन लगा दिया था, फटाफट से उसको सिग्नल देते और उसको फटाफट से मैं यहां पे बुला लेता हूं। अरे यार फ्रैंकलिन भाई आपने बोला भी था कि सिग्नल मिलते ही आ जाना। अरे हाँ आयरन मैन देख ही रहा होगा भाई, आयरन मैन भाई जल्दी से आ जा मेरी मदद कर। अरे ये क्या? अरे नहीं ये तो यार सिग्नल लगता है, मुझे फ्रैंकलिन ने बोला था कि कोई सिग्नल मिले तो मेरे पास आ जाना। अरे भाई यार ये तो किसी आइलैंड से आ रहा है, काम करता हूँ फटाफट से इस हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ और जाके देखता हूँ कहीं वो फ्रैंकलिन तो नहीं। वैसे भी मेरे को फ्रैंकलिन ने बोला था कि तुम बैकअप तैयार रखना और मैं सिग्नल दूं तो मेरी मदद करने आ जाना। अरे यार ये कैसे उड़ रही है? चलो फाइनली अब चलते हैं अपने हेलीकॉप्टर को लेके उस आइलैंड पे, देखते हैं कि हमारा फ्रैंकलिन उस आइलैंड पे वेट कर रहा है कि नहीं। अरे यार पास जाके देखना पड़ेगा यार, अंधेरा हो रखा है। एक तो यार इस लावा गॉड ने भी दिमाग खराब कर दिया है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा कर देता। अरे यार फ्रैंकलिन सुन रहा है क्या? अरे भाई यार फाइनली हमारा आयरन मैन हमारे पास आ गया, मजा ही आ गया। अरे अब मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करा लेता हूँ। अरे 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 ये कैसे उड़ रही है? अरे भाई आयरन मैन फटाफट से 22 वाली हेलीकॉप्टर को लैंड करवा ले इस आइलैंड के ऊपर। अरे ठीक है ठीक है। अरे यार फ्रैंकलिन कोई जरूरत पड़ी थी क्या? अरे हाँ भाई यार तू ना बहुत ही सही टाइम पे आ गया और भाई यार तूने तो कमाल ही कर दिया भाई, बिना बोले भाई तू हेलीकॉप्टर भी ले आया। अरे यार मैंने बैकअप पहले से ही रेडी रखा था।
अरे भाई तू तो सही में कमाल का भाई, ये हुई ना बात। अरे वो सब तो ठीक है फ्रैंकलिन, मुझे ये तो बता कि मुझे बुलाया क्यों है। अरे आयरन मैन एक काम कर भाई, इस आइलैंड के नीचे समुद्र के अंदर भाई एक बड़ा वाला रेड स्टोन होगा, फटाफट से उसको निकाल के ले आ। अरे बस इतना सा काम? अरे अभी करता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन तूने बोला और मैंने निकाल दिया। ओ माय गॉड, ये जादुई पत्थर तो सही में बहुत ज्यादा यूनिक है, वैसे भी ये पास में था तो यूं निकाल दिया मैंने। ओ माय गॉड यार आयरन मैन तूने सही में कमाल कर दिया भाई, इतनी जल्दी पत्थर कौन निकालता है वो भी पानी में से। चलो गाइस फाइनली यार हमें रेड स्टोन मिल गया। अरे हाँ यार वैसे मेरा सूट किस दिन काम आएगा, अब ये बता कि इसका करूँ क्या? अरे भाई जल्दी से इसको ना हेलीकॉप्टर से अटैच करवा दे। अरे ठीक है अभी हेलीकॉप्टर से अटैच करा देता हूँ। तो चलो गाइस फाइनली यार हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, हमने रेड स्टोन को भी हेलीकॉप्टर के साथ अटैच करवा लिया। अरे आयरन मैन जल्दी से आ जा, हेलीकॉप्टर में बैठ जा। अरे ठीक है अभी बैठता हूँ। भाई मजे आ गए, फटाफट से यार आ जाना। अरे ठीक है यार अभी आ रहा हूँ, लेकिन यार मेरे को पूरी स्टोरी बता कि ये रेड स्टोन और ये सारा मामला है क्या? अरे आयरन मैन रुक जा अभी भाई, मेरे को हेलीकॉप्टर उड़ाने दे। अरे ठीक है अरे भाई यार, अरे ये क्या हुआ? अरे भाई लावा गॉड ने यार दोबारा से यार मौसम ठीक कर दिया। अरे हाँ यार लगता तो ऐसे ही है कि मौसम उसने ठीक कर दिया। ओ भाई मजा ही आ गया ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू नीचे क्यों जा रहा है? अरे भाई मेरे दोस्त है नीचे। अरे क्या बात कर रहा है, शिंचन और हल्क वगैरह है क्या? हाँ भाई सारे आ जाओ भाई, शिंचन जल्दी से आ जाए हेलीकॉप्टर में बैठ जा। अरे भाई यार फ्रैंकलिन भैया आ गए, मजा आ गया। अरे हो अब हम जल्दी से जाएंगे और बैठ जाएंगे। फटाफट से गए ये दोनों भी बैठ गए। अरे भाई तुम लोग कहाँ बैठ गए, अंदर बैठ गए क्या? अरे हाँ यार अंदर बैठ चुके हैं फ्रैंकलिन भैया। अरे यार अब तो बता दे यार स्टोरी क्या है। अरे भाई स्टोरी में हुआ ये था ना, हमारे शिंचन ने आइस गॉड को ड्रॉ करा था, उसके बाद हमारे लावा गॉड ने आइस गॉड की सारी शक्तियाँ छीन ली थी, उसी के लिए भाई हम ये पत्थर ले जा रहे हैं। अरे हाँ यार उसी के लिए पत्थर ले जा रहे हैं, और जैसे ही ये पत्थर हम हमारे आइस गॉड को दे देंगे उसके बाद शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। अरे हाँ और हमारा आइस गॉड भाई इस लावा गॉड को खत्म कर सकता है। अरे भासवर कलवे ये देख यार वापस से उसने रात कर दिया। अरे भाई ये लावा गॉड भी ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, जब मर्जी यार मौसम चेंज कर देता है। अरे तुम लोग आ गए। अरे हाँ हम आ गए आइस गॉड। अरे वाह यार तुमने कमाल कर दिया, अब इस रेड स्टोन को मेरे सिर के ऊपर रख दो। अरे हाँ हम रख ही रहे। चलो कहते फटाफट से भाई आइस गॉड के ऊपर इस रेड स्टोन को रख देते हैं। अरे भाई यार फ्रैंकी भैया देखो यार हमने कमाल कर दिया। अरे आइस गॉड हमने फाइनली यार तेरे सर के ऊपर रेड वाला स्टोन रख दिया, लाल पत्थर। अरे ठीक है अब मेरी थोड़ी देर में शक्तियाँ वापस आ सकती है। अरे मुझे तो नहीं लगता कि इसकी शक्तियाँ वापस आएंगी। अरे देखना यार मैनम क्या बोल रहा है। अरे आइस गॉड यार तेरी शक्तियाँ कब आएंगी वापस? अरे भाई यार उसको देख यार वो तो यार और ज्यादा गुस्सैल हो गया। अरे हमारे लावा गॉड को क्या हो गया भाई, वो भी गुस्से से लाल हो गया, और भाई अभी तक हमारे आइस गॉड की शक्तियाँ भी नहीं आई। अरे हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गया। अरे भाई नहीं यार आइस गॉड यार जल्दी से यार शक्तियाँ ला। अरे मैं क्या करूँ मेरी शक्तियाँ, अरे रुक जा आ रही है। अरे भाई आने लग गई भाई हमारे आइस गॉड की शक्तियाँ। अरे वाह यार आ गई मेरी शक्तियाँ। ओ भाई फाइनली गाइस मजे ही आ जाएगा, अब तो हम पूरी दुनिया को बचा लेंगे शिंचन, मजे ही आ जाएगा। अरे हाँ यार सही बोला, हमारा आइस गॉड जो है उसकी अब छुट्टी कर देगा। चल आइस गॉड अब फटाफट से अपना कमाल दिखा और उस लावा गॉड को खत्म कर दे। अरे ठीक है तुम लोग यहीं पे वेट करो और मैं डायरेक्टली अब जा रहा हूँ उस रेड वाले लावा गॉड के पास। अरे हाँ भाई जल्दी से जाओ और भाई उसको धूल चटा दे। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन, तुम लोग यहीं पे वेट करो और अब मैं उस लावा गॉड को छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ भाई जल्दी से उसको हरा के आ जा। अरे जल्दी जाओ यार आइस गॉड अंकल, जल्दी जाओ और उस लावा गॉड की छुट्टी कर दो। अरे मुझे नहीं लगता ये कुछ कमाल कर पाएगा। अरे भाई अब तो तू चुप रहे। अरे हाँ यार फ्रैंकी भाई, अरे भाषा पर देखियो कल वो यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। अरे भाई हमारा लावा गॉड तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, पर यार हमारा आइस गॉड भी कुछ कम नहीं। अरे फ्रैंकी भाई बिल्कुल सही बोला। अरे रुक जाओ बस थोड़ा इंतजार और करो, उसके बाद मैं उसके आमने सामने चला जाऊंगा। ओ माय गॉड मेरे को लग रहा भाई अब तो बहुत ही बड़ा वाला युद्ध होगा भाई आइस गॉड और लावा गॉड के बीच। अरे आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरी शक्तियों को भी छीनने की कोशिश की और साथ ही में इस शहर के लोगों का भी जीना इसने हराम कर दिया है। ओ माय गॉड गाइस ये देखो भाई लड़ाई शुरू हो गई। चलो गाइस देखते हैं हमारा आइस गॉड जीतता है कि लावा गॉड। अरे फ्रैंकी भाई मेरे हिसाब से तो यार आइस गॉड ही जीतेगा। अरे हाँ भाई मैं भी आइस गॉड के साथ हूँ। अरे लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे हरा नहीं पाया तो हमारा आइस गॉड क्या ही हरा पाएगा। अरे भाई वेनम यार तू अपना मुंह बंद कर। अरे हाँ यार फ्रैंकी भाई हमारा वेनम तो यार कभी भी हमारा साथ ही नहीं देता। अरे भाई मेरे को तो पूरा यकीन है हमारा आइस गॉड ही जीतेगा। ओ माय गॉड गाइस ये देखो भाई दोनों गुस्से से लाल हो गए। अरे बिल्कुल सही बोला फ्रैंकी भैया, देख रहे हो यार एक तरफ यार हमारा रेड वाला लावा गॉड है और दूसरे तरफ ब्लू वाला हमारा आइस गॉड। अरे हाँ भाई मजे ही आ जाएगा। चलो गाइस देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। अरे तूने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की आइस गॉड? अरे क्योंकि तूने पूरे शहर के लोगों को और साथ में मेरे दोस्तों को परेशान करके रखा है। आज मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे ये देख मेरी शक्तियाँ, अब बच के दिखा। अरे ये शक्तियाँ कुछ भी नहीं, अब मेरी शक्ति तू देख। अरे ये क्या है? अरे नहीं, अरे बाप रे इतनी ठंड कैसे हो गई? अरे मैं अपने अपने पावर से तेरे को आज खत्म कर दूंगा। अरे नहीं ये सब क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे नहीं बचाओ। अरे ये देखो यार फ्रैंकी भैया लावा गॉड तो यार इधर उधर गिर रहा है। ओ भाई मजे ही आ गए, वो तो पलट गया भाई, लावा गॉड तो हमारा हार गया। अरे देखो मैं जीत गया तू हार गया। अरे तू गलत सोच रहा है, मैं अभी तो जरूर गिरा हूँ जमीन पे लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ओ माय गॉड गाइस ये देखो यार आइस गॉड तो लावा गॉड के ऊपर खड़ा हो गया, मजा ही आ गया। आज मैं जीत गया और लावा गॉड हार गया। अरे तू गलत सोच
खतरा है, अब देख मैं जमीन के अंदर घुस जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अरे अरे ये क्या हुआ? अरे ये कहाँ चला गया ये लावा गोट का बच्चा? अरे भाई लावा गोट गायब हो गया मतलब वो अभी तक हारा नहीं है। अरे मैं हारा नहीं हूँ, मैं जमीन के अंदर घुस गया हूँ और पहले से ज्यादा ताकतवर होके तुम सभी लोगों के सामने आऊंगा और तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, वो अभी तक हमारी दुनिया में ही है भाई, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया भाई, भागो। अरे नहीं यार फ्रैंकली भाई ये तो यार गड़बड़ हो गया। अरे गाइज़र हम तो इस बार भी यार लावा गोट को हरा नहीं पाए। चलो गाइज़र कोई दिक्कत की बात नहीं, गाइज़र अगर आपको भी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जाओ नेक्स्ट पार्ट लिख देना। हाँ गाइज़र नेक्स्ट पार्ट लिख दो। अरे फ्रैंकली भाई कहाँ जा रहे हो? अरे गाइज़र लाइक भी करो, चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो। मैं तो जा रहा हूँ भाई यार प्लानिंग करने।